एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पॉमिता। सो गाइस, आज जिस कंपनी की जॉब अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये वाला जॉब बस एक दिन पहले यहाँ पर अपडेट हुआ है। सो एकदम फ्रेश ओपनिंग है। एंड इस जॉब की जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो ये है कि यहाँ पर अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप एक मदर है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है, आप बिल्कुल फ्रेशर है, या फिर अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, आप सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप जितने आवर्स काम करेंगे उस बेसिस पे आपको यहाँ पर सैलरी वगैरह मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपको कोई भी सेलिंग वगैरह का काम नहीं करना है, ना ही कस्टमर की डेटा को वेरीफाई करना है, एंड उसको आपको सिस्टम में अपडेट करना है। बस इतना ही काम यहाँ पर आपका होने वाला है। यहाँ पर कोई भी एज बैरियर नहीं दिया हुआ है कि सिर्फ 30 साल या 40 साल के लोग ही इस जॉब को कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बैरियर नहीं है। एंड आप इस काम को यहाँ पर फुल टाइम में भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। एंड आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से बिलोंग करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है एंड अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई करने की तुरंत बाद आपका यहाँ पर एक असेसमेंट टेस्ट होता है, जो कि आप अपने मोबाइल के थ्रू इस टेस्ट को दे सकते हैं। नाउ जिस कंपनी की तरफ से आज का ये ओपनिंग आया हुआ है वो अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इंडिया मार्ट की तरफ से आज का ये ओपनिंग आया हुआ है। सो इंडिया मार्ट के बारे में मुझे इंट्रो देने की नीड नहीं है, आप सभी लोगों को पता है इंडिया मार्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका, आप यहाँ पर असेसमेंट को कैसे दे सकते हैं, अलावा फिर टिल ज्वाइनिंग तक यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस वगैरह होते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपको यहाँ पर रिवर्ट बैक आने वाले हैं। एंड अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। नाउ इसी के साथ चलते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज इंडिया मार्ट की तरफ से जो ओपनिंग आया हुआ है वो यहाँ पर है टेली एसोसिएट फ्री सेलर एनरिचमेंट के लिए। एंड ये वाला ओपनिंग बस दो दिन पहले अपडेट हुआ है, एकदम फ्रेश ओपनिंग है। अप्लाई करने के तरीके की अगर हम बात करें, देन आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका कुछ डिफरेंट है, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देखना। नाउ इस जॉब की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वर्क एज अ फ्रीलांसर, आपको यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर काम करना है। इस कंपनी के साथ जो भी बायर है, जो भी सेलर जुड़े हुए हैं, आपको उन सबकी इन्फॉर्मेशन को लेना है, वेरीफाई करना है एंड सिस्टम में अपडेट करना है। बस इतना ही काम आपके यहाँ पर होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस एंड डेटा एंट्री का काम आपका होने वाला है। उसके बाद वर्क फ्रॉम लोकेशन ऑफ योर चॉइस, आप किसी भी लोकेशन से इस काम को कर सकते हैं, आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। ये वीकली पे आउट है, सो आप जितना काम करेंगे वीकली आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हुआ था यहाँ पर आपको कोई भी सेलिंग वगैरह का काम नहीं करना है। हम बात करें यहाँ पर आप कैसे काम कर सकते हैं, सो यहाँ पर काम करने के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का होना जरूरी है। वाईफाई ब्रॉडबैंड अगर नहीं भी है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं फोन की नेट के थ्रू, पर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का होना ज़रूरी है तो ही आप यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मंडे टू सैटरडे काम करना है, 10 AM से लेकर 7 PM के बीच में आपको 3 to 4 hours यहाँ पर डेडिकेट करना है। आप चाहे तो इस काम को फुल टाइम में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो बाकी सारा कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सो इस फॉर्म के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। लास्ट टाइम मैंने जो स्क्रीन आपको दिखाया था, आप लोग देख सकते हैं उसके एकदम नीचे यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। ये लिंक मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है हाई अर्निंग्स अप 10,000 पर डे, आप पर डे यहाँ पर 1,000 rupees अर्न कर सकते हैं। वो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जितने आवर्स काम करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट्स मिलने वाला है। वीकली सैलरी पे आउट है एंड टेलीकॉलिंग का काम आपका यहाँ पर होने वाला है। नो सेल्स कॉलिंग, यहाँ पर आपको सेलिंग वगैरह नहीं करना है। बाकी वही डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर होना ज़रूरी है, एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, एक सिम होना ज़रूरी है जिससे कि आप कॉलिंग वगैरह कर पाए, या फिर उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना ज़रूरी है एंड साथ ही बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप इस जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद तुरंत आपका एक यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट होता है। अगर आप असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं, देन आपको यहाँ पर अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है एंड उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद उनका जो टीम है वो आपके वीडियो को यहाँ पर रिव्यू करते हैं। अगर आपका वीडियो उन लोगों को पसंद आता है, देन आपका यहाँ पर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन राउंड होता है। ऐसे आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है।
ये सारा कुछ जो प्रोसेस है वो ऑन द स्पॉट नहीं होने वाला है, अभी बस दो ही प्रोसेस होने वाला है। अब देख लेते हैं आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। सो एक इस लिंक के एकदम नीचे आपको चले जाना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना है, फिर आपको यहाँ पर चूज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, जैसे कि मैंने रैंडमली कुछ भी डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मेल एड्रेस डाल देना है। अगर आपने पहले यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था देन इस बार मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट डालना। कुछ भी यहाँ पर मेल आईडी एक डाल देती हूँ। उसके बाद एज, आप किस एज ग्रुप से यहाँ पर बिलोंग करते हैं आपको वो सिंपली यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जेंडर में आपको यहाँ पर सारा कुछ चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल चूज़ कर लेती हूँ। सिटी आपका कौन सा है वो भी मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, किड्स, अगर आपके किड्स हैं देन येस करना, मेरे तो नहीं है सो मैं यहाँ पर नो कर देती हूँ। आर यू स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड, यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है। उसके बाद यहाँ पर बंगाली चूज़ कर लेती हूँ। बाकी अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज भी आता है तो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 12th पास चूज़ कर सकते हैं। 10th पास भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सो 10th पास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 10th में आपका स्कोर कितने परसेंटेज था वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। 12th में कितना परसेंटेज आपका था वो भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो मैं सिंपली यहाँ पर फ्रेशर चूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंसेस वगैरह है तो आप वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एंड इसको आप छोड़ सकते हैं रिफर्ड बाय को। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको यहाँ पर येस कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्या आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है, यहाँ पर भी आपको येस कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, मोबाइल इंटरनेट है एंड नो इंटरनेट कनेक्शन, आपको यहाँ पर ब्रॉडबैंड चूज़ कर लेना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आपके पास पैन कार्ड है, जी हाँ है। उसके बाद क्या आपके पास आधार कार्ड है, जी हाँ है। उसके बाद फिर यहाँ पर है क्या आपके पास एक बैंक अकाउंट है, वो भी यहाँ पर आपको येस कर देना है, नो मत करना तो आपको शायद यहाँ पर रिवर्ट बैक ना आए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक टेस्ट का लिंक आया है एंड इसके एकदम नीचे आई एग्री और आई डिसएग्री दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आई एग्री और आई डिसएग्री पे चूज़ नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोडिंग लेता है एंड इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पर वही फ़ोन नंबर एंड वही मेल आईडी डालना जो कि आपने फॉर्म को फिल करते टाइम डाला है, वरना आपको यहाँ पर एरर शो हो सकता है। सो मैं यहाँ पर कुछ भी नाम डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम भी डाल देती हूँ, मोबाइल नंबर जो कि मैंने वहाँ पर डाला हुआ था। उसके बाद मेल एड्रेस भी मुझे यहाँ पर डाल देना है। रजिस्टर के ऊपर आपको सिंपली उसके बाद क्लिक कर लेना है। इसके बाद ये वाला पेज भी थोड़ा सा लोडिंग लेगा। टेस्ट का जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 90 मिनट्स का टेस्ट आपका ये होने वाला है। यहाँ पर पासिंग स्कोर है 60% आपका होना ज़रूरी है, तो ही आपको यहाँ पर आगे का राउंड होने वाला है। यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन होगा एंड 28 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड से आने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएगा वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, आपको इस टेस्ट को 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है, वरना ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा। एंड वंस यू पास द टेस्ट यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाई अस इन अ कपल ऑफ वीक्स। जैसे आप इस टेस्ट को सबमिट कर देते उसके बाद 2-3 हफ्ते यहाँ पर लग सकते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। सो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। सो आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट क्विज के ऊपर टैप कर लेना है। जैसे आप टैप कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। आपको सिंपली ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड सबमिट कर देना है। बस इतना ही बेसिक से अप्लाई प्रोसेस है यहाँ पर। फिर आप इस टेस्ट को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड जो मेल आईडी आपने यहाँ पर दिया हुआ है उस मेल को आपको यहाँ पर एक्टिव रखना है, क्योंकि उसी मेल पर आपको यहाँ पर रिवर्ड वगैरह आने वाला है। एंड जैसे आपको यहाँ पर रिवर्ड आएगा तब आपको यहाँ पर एक इंट्रो वीडियो शूट करना है एंड उसको अपलोड कर देना है। अगर वो वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है
देन लास्ट में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन राउंड होने वाला है, फिर आपका ऑनबोर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, एंड ऐसे न्यू न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।